गरीबों को हक दो, हक दो, गरीबों को हक दो, दीवाल सिंह बंद करो, बंद करो गरीब, दीवाल सिंह बंद करो, बंद करो, बंद करो, दीवाल सिंह बंद करो, बंद करो, बंद करो, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, बुलडोजिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंसाफ दो, एलजी प्रशासन जिंदाबाद, एलजी प्रशासन जिंदाबाद, एलजी प्रशासन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, एलजी प्रशासन हाय हाय, मुर्दाबाद, प्रशासन हाय हाय, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, एलजी गवर्नमेंट को होश में आओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, को हक दो, हक दो, हक दो, प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन जिंदाबाद, प्रेजेंट हैं हरप्रीत सिंह जी और मैं, हमने एक प्रोटेस्ट रखा था यहाँ पे जिसका मेन मकसद ये था कि जो स्टेट लैंड जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की जा रही है उसके खिलाफ हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा था जिसमें मैक्सिमम जो है लोकल जो पब्लिक है इन्होंने हमारा साथ दिया और इसका एक ही मकसद था कि जो ज़मीन जो एक्वायर की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा जब ये घर बने थे जो जिनको आज बेघर किया जा रहा है लोगों को तब ये गवर्नमेंट सोई थी। और बड़ी बड़ी मछलियों की अगर मैं बात करूं छोटी मछलियाँ इनके हाथ आ जाती हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर जो इस वक्त हैं जो आप देखिए जो स्टेट लैंड पे ही जिन्हों के बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं उस तरफ तो सरकार का ध्यान नहीं जा रहा और दूसरी तरफ जहां पे बेरोज़गार लोग हैं और बेरोज़गारी दर जो इतनी बढ़ रही है रेगुलराइज करने की बात करें जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर ने कहा कि जहां पे इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा जो बेचारे डेली वेजर्स हैं वही उनको जो है रूरल एरियाज़ की बात करें जो लिस्ट आउट हुई है उसमें गरीब तबके के जो जिनके पास दो मरले या पांच मरले जगह है उसमें अगर उनको बेघर किया जाएगा तो बेसिक नेसेसिटी जो है एक तरफ पीएमएवाई हम कहते हैं कि घर के लिए इनको पैसा दिया जाए जब कुछ भी सरकार की तरफ से जो है फैसिलिटीज मुहैया कराई जाए वहीं दूसरी ओर हम लोगों को बेघर कर रही है। तो मुझे एलजी प्रशासन से हमें अपनी पार्टी की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है एक ही आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे और ये चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर आपने ये फैसला जल्दी से वापस नहीं लिया तो ये एक जन सैलाब उभर के बाहर आएगा जिसमें लोकल पब्लिक आपके खिलाफ हो जाएगी और आगे ही खिलाफ है जो काम इन्होंने किए हैं एक भी पॉलिसी जनता के हक में नहीं बनाई इन्होंने जो भी किया है जनता के खिलाफ ऑर्डर किए हैं और रातों रात एक ऐसे फरमान जारी होते हैं जैसे मतलब ऐसे तो मुगल भी नहीं करते थे जाओ ऐसे तो अंग्रेजों के ज़माने में नहीं होता था हिटलर भी नहीं करता होगा जैसे ये फरमान जारी होते हैं रातों रात और कहाँ बैठ के ये ऐसे ऑर्डर निकलते हैं। जितनी एनर्जी ये लोग इस चीज़ों पे लगा रहे हैं उतनी एनर्जी अगर जनता के हित में लगाई जाए तो जनता का भी भला होगा और हम सबका भला होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। पूरे ऑल ओवर जे एंड के में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो गरीबों को और लोगों की ज़मीनों को और मकानों को दुकानों को तोड़ रही है स्टेट लैंड के नाम पे उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को जो ज़मीन उनके कब्जे में पिछले 50 साल 60 साल 70 साल से है उनको मालकाना हक देने चाहिए क्योंकि ज़मीन जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट होती है ना कि वो डिमोलिश करके लोगों को बेघर करे। यहाँ पे हमारे लोग जो गरीब लोग हैं ज़्यादातर अगर आपने लिस्ट देखी होगी हमारे जम्मू कश्मीर में जो भी है हमारे खासकर अगर मैं जम्मू की बात करूँ मैं रूलर की बात करूँ जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ जेके अपनी पार्टी का तो हमारे लोग वो लोग हैं जिनके पास एक एक कमरा है दो दो कमरे हैं। सरकार सिर्फ मुँह जवानी अपने आश्वासन दे रही है कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे कोई भी रिटर्न कुछ नहीं ला रही है। हम चाहते हैं कि लोग जो इस ज़मीन पे कब्जे में हैं क्योंकि जो सरकारी लैंड है गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने लोगों को मकान दे अपने लोगों को सुविधाएं पर दे। जो लोग गरीब लोग अपनी दिन रात की मेहनत करके अपना पेट काट के उन्होंने मकान एक एक कमरा एक एक दुकान अपना रोज़गार के लिए बनाया हुआ है गवर्नमेंट उनको तोड़ के उनको बेघर करना चाहती है उनसे उनका रोज़गार छीनना चाहती है। गवर्नमेंट अगर बात करे तो डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रही उनको रेगुलाइज क्यों नहीं कर रही क्या दिल्ली में नहीं हुआ क्या पंजाब में नहीं हुआ क्या दूसरी स्टेटों में नहीं हुआ। सरकारी लैंड है गरीब बंदे हैं गरीबों की ज़मीन है क्या सरकार की ज़मीन है ये सारी गरीबों के लिए है गरीबों को दे देनी चाहिए इनको मालकान हक क्यों नहीं दे रहे हैं ये की तरफ से बड़े बड़े जो अभ्यास कब्जा किया क्या उनके हक में है या खिलाफ है आप देखें उसके हक में ना मैं हक में हूँ ना मैं खिलाफ हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर
गवर्नमेंट को वो यूटिलिटी के लिए चाहिए ज़मीन, अगर उनको वो ज़मीन चाहिए कि उन्होंने हॉस्पिटल बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, वो रिकवर करें। अगर वो नहीं चाहिए तो खंडर बना के छोड़ने का मतलब क्या है? आप किराया लगा सकते हैं, आप उनको उनसे पूछ सकते हैं आपकी चाहिए क्या है, क्यों, किसके लिए है, आप उनके नाम पे रेगुलराइज कर सकते हैं। कस्टोडियन जो जैसे कस्टोडियन किराया देते हैं लोग, वो ज़मीन का किराया दे देंगे। आप उस चीज़ को खंडर बना के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तोड़ के, करोड़ों रुपया लगा है, मेहनत की कमाई है, वो टैक्स पे करते हैं। अगर हम चीज़ एक 10 पैसे की चीज़ भी खरीदते हैं, उसमें भी 2 पैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको कर रही रेगुलराइज? सब करेगी क्या गवर्नमेंट? ये चीज़ें हैं, इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। जिनको छोटी जगह है, जिनके 10 मरले या 1 कनाल है, उनको माल लगाना हक दे देना चाहिए गवर्नमेंट। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग। बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स विद ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग। बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स विद ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग। बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स विद ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग। बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स विद ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग। बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स विद ऑफर्स सीएसडी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। NIST इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी एंड मेकअप, फैशन डिजाइनिंग, हेयर ड्रेसिंग एंड नेल एक्सटेंशंस, नाउ ऑल्सो इन गांधीनगर जम्मू। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multidimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmla.